नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। बात करें हम लोग जुडिशियरी के एग्ज़ाम की, तो जुडिशियरी के एग्ज़ाम जो है अभी सभी जगह आते हैं और आते रहते हैं, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आप जज बन सकते हैं। इसी जज के साथ साथ आप एक अच्छी वकालत कर सकते हैं। अब आता जज के साथ वकालत कैसे, यानी जज बनना आपका सपना है, बट सारे लोग तो जज नहीं बन सकते ना। अगर सब जज बन जाएंगे तो वकालत कौन करेगा? तो हमें ट्राई करते रहना चाहिए। सिलेक्शन होना या नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है। तो आज मैं आपको ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ जो आपके हर फील्ड में काम आएगा। आप जज बनते हो तो भी काम आएगा, एपीओ के लिए जाते हो तो भी काम आएगा, जेलों के लिए जाते हो तब भी काम आएगा, और इवन तो आपकी वकालत में भी काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीआरपीसी 1973 एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। कब आया भाई ये आया आपके 1974 में, ठीक है। तो वैसे बन तो गया था ये 1970, इसका नाम क्या है 1973, बट इसका सिग्नेचर 1974 में सेकंड नंबर पे हुआ। साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूँ तो इसका जो कमेंसमेंट डेट है वो भी कब की है इसकी, 1 अप्रैल, अप्रैल फुल बनाता है 1974। इवन तो इसके सिग्नेचर कब हुए इस पर, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 25 जनवरी 1974, कितना बड़ा सरप्राइज है। नाम इसका 1973 है लेकिन सिग्नेचर भी 1974 में हुए हैं, कमेंसमेंट भी इसका 1974 में हुआ है। ये है एक प्रोसीजर लॉ। कैसा लॉ है? एक प्रोसीजर लॉ है। इसके लिए एक वीडियो बना हुआ है चैप्टराइजेशन को लेकर, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। इसके चैप्टराइजेशन को लेकर एक वीडियो बना हुआ है, वो आप देखिएगा, मैं उसके आगे पढ़ाऊंगी। यहाँ पे टोटल चैप्टर है इसके अंदर 37, टोटल सेक्शन है 484, है ना। इसके अंदर स्केड्यूल दी गई, 2 स्केड्यूल हैं। इसका एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया में है, पहले नहीं था, पहले एक्सेप्ट जेंड के था, बट 31 अक्टूबर 2019 से अभी पूरे इंडिया में आ गया, ठीक है। और इसका कमेंसमेंट 1 अप्रैल को हुआ और सिग्नेचर 25 को हुआ। पहले जो हमारी सीआरपीसी थी, इससे पहले भी एक सीआरपीसी थी ना, उसका नाम था सीआरपीसी 1898, जो आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। आज भी कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जो वर्कर्स बैठते हैं उनके प्रमोशन के एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी 1898 की सीआरपीसी चलती है। बट इंडिया के अंदर जो हमारी बात करते हैं एडवोकेट्स की, जुडिशरी की, तो 1973 है। तो यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए। पहले हमारे पास चैप्टर्स भी ज़्यादा थे, सेक्शंस भी ज़्यादा थे, अभी चैप्टर्स और सेक्शन कम हो गए। तो फिर किसकी रिपोर्ट पे ये सब हुआ, तो आप लिखेंगे जेल कपूर की रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट? जेल कपूर की रिपोर्ट पर। क्योंकि जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट है तो सर हेनरी मैन अपन लिखते, जेम्स स्टीफन का नाम लिखते हैं अपन, ठीक है। आईपीसी लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं, और सीपीसी जो है हमारी वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है, और उसके जो 2022 और 99 है उनके जो अमेंडमेंट है वो मलिमत कमेटी से आए। तो हमें ये पता, जिसका हो उसका पता होना चाहिए किसने इसको बनाया किसने नहीं बनाया, ये हम लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। तो एक छोटा सा ये था कि ये ऑलरेडी चैप्टर मैंने बना चुकी हूँ चैप्टराइजेशन को लेके, उसको आप जरूर देखिएगा। अगर मैं बात करूँ पहली बार सीआरपीसी कब बनी, 1973 में तो बनी नहीं, क्यों, अभी भी मैंने आपको बताया 1898 की पहले थी। ये एक रिपीलिंग एक्ट है, उसको रिपील करके आया है राजस्थान वालों के जो इंटरप्रिटेशन कोर्स में है, वहाँ पूछते हैं रिपीलिंग एक्ट क्या होता है। तो ये वाली जो सीआरपीसी है ये रिपीलिंग एक्ट काउंट होती है, ठीक है, निरसनकारी अधिनियम बोलते हैं इसको। अब बात आती है हमारी सबसे पहले सीआरपीसी कब आई, 1973 के भाई, तो इसको याद करने का तरीका है आप आईपीसी याद करो। आईपीसी कब की है? 1860 की। उसके बैक टू बैक सीआरपीसी आ गई थी 1861 में। इसका मतलब सबसे पहले सीआरपीसी 1861 में आई और देन अमेंड होती गई, आज हम 1973 की पढ़ रहे हैं। इस पूरे पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको लिखना उर्मिला राठी सीआरपीसी चैप्टराइजेशन, तो इसकी पूरी हिस्ट्री आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारे पास सीआरपीसी 1973 एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। हमेशा कानून का नाम ऐसे लिखा करो,
एक नंबर साथ में लिखो, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। बिल्कुल सही, पहले चैप्टर 1 पढ़ा रखा था, बट किसी कारण से वो डिलीट हो गया, हट गया यूट्यूब से। तो जब कोई चीज हटी, हम फिर से अपडेट के साथ, वो एक साल पहले बना हुआ था, दो साल पहले का था, अब फिर नए अमेंडमेंट के साथ आई हूँ, तो ये उससे भी दो कदम आगे होगा, क्योंकि कानून अपडेट होता रहता है और मेरे वीडियोज भी अपडेट होते रहते, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं देती, क्योंकि रिकॉर्डिंग में एक बार पढ़ा के बेचना शुरू कर दिया तो अपडेट कहाँ से लूंगी। इसलिए हमारे यहाँ पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती है, और जब बच्चे रिन्यूअल कराते हो, कहते हैं मैम इस बार फिर से कुछ नया आया, क्योंकि मैं भी अपडेट होती रहती हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, हाई कोर्ट के जजमेंट से, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से, हम लोग भी अपडेट होते रहते हैं, नई नई चीज़ें हमारी ऐड होती रहती है, राइट। तो फिर से आपके सामने एक नया चैप्टर आया, चैप्टर 1 फिर से आया आपके पास, और चैप्टर 1 कहता है मैं तो प्रीलिमिनरी हूँ। यानी जब भी आप किसी भी कानून को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका चैप्टर 1 आता प्रीलिमिनरी, और वो इंट्रोडक्शन देता है उस कानून के बारे में। क्योंकि बेटा जब आप कॉलेज में थे तब तो सीआरपीसी पढ़ी थी आपने, लेकिन जब 12th पास करके या ग्रेजुएशन करके एलएलबी करने आते हो तो आपको क्या पता सीआरपीसी क्या होती, नहीं पता ना, तो वो सीखते हैं, तो सीआरपीसी अपने आपको इंट्रोड्यूस तो करेगी ना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ना। तो सेक्शन नंबर आता है आपके 1, 2 का 5, चैप्टर 1 में 1, 2 का 5 आपके पास है। इसको हम डिवाइड करते हैं, सेक्शन 1 कहता है मैं तो शॉर्ट टाइटल हूँ, मैं तो शॉर्ट टाइटल हूँ। अब मैं जब बात करती हूँ तो हम लोग क्लास में जब पढ़ाते हैं तो हम रिवीजन करवाते हैं, तो हम पूछते बच्चे को चैप्टर 1, तो बच्चे बोलते हैं शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, हम पूछते हैं सेक्शन 1, तो बच्चे बोलते हैं प्रीलिमिनरी। तो जब स्टार्टिंग में पढ़ाई करते हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है चैप्टर सेक्शन, क्योंकि याद करना स्टार्ट, लेकिन एक बार जब याद कर लिया तो फिर कभी गलत नहीं होता है। तो चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, उसका सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। तो आज आपका एक होमवर्क है कि आप जिस स्टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सारे के सारे सब्जेक्ट को देखें, उनके बैरेट खरीद के लाए, और उन सब में से देखें कि चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी किस किस का है और कहाँ से कहाँ तक, उसकी एक लिस्ट बना लें। ये आपका आज का होमवर्क है। इससे फायदा क्या होगा, आप उस स्टेट के सारे सब्जेक्ट देख लोगे। फिर आता सेक्शन नंबर 2 कहता है मैं तो डेफिनेशन क्लोज हूँ। यही किसी भी कानून को समझने के लिए उसका डेफिनेशन क्लोज आपको याद होना चाहिए। जिस दिन आपने डेफिनेशन क्लोज याद करना शुरू कर दिया उस दिन आपको सब कुछ आ जाएगा। सेक्शन नंबर 3 कहता है कंस्ट्रक्शन, यानी कहता है कि इस कानून के आने से पहले भी तो 1973 के आने से पहले भी तो कानून थे, तो उस समय क्या क्या नाम थे, मजिस्ट्रेट था उस समय, नाम था फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। फिर 1898 के अंदर क्या था हमारा नाम, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। 1973 में क्या हो गया, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक नया वर्ड आया जुडिशियल। तो जहां जहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लिखा है नाउ 1973 में आपको ये डीम्ड करना है कि उसका मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 कहता है कि मैं यहां पर किसके ट्रायल करने आया हूं, क्या वर्ड यूज किया, ट्रायल। वाई ट्रायल, बिकॉज ऑफ सीआरपी इज द प्रोसीजर लॉ, और जो प्रोसीजर लॉ होता है वो केसेस की ट्रायल करता है। तो सेक्शन 4 में हम डिटेल पढ़ेंगे कि ये सीआरपीसी किसकी ट्रायल कर रहा है। ये जो ट्रायल वर्ड है, ये कॉग्निजेंस जो वर्ड है, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में होता है। ऐसा मत सोचना ट्रायल वर्ड सिर्फ सिविल में होता है, नो, सिविल और क्रिमिनल दोनों में है। सिविल में सीपीसी इज अ प्रोसीजर लॉ, क्रिमिनल में सीआरपीसी, ये भी एक प्रोसीजर लॉ है। तो इसके साथ मैं आपका ऑब्लिक करती हूँ, सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीपीसी देखिएगा, वहां पे आपको कॉग्निजेंस वर्ड भी मिलेगा और वहां पे आपको ट्रायल वर्ड भी मिलेगा, ठीक है। नहीं तो हमारे तो ट्रायल आते दिमाग की बत्ती जलती है सीआरपीसी, कॉग्निजेंस आते ही लगता है क्रिमिनल, ऐसा नहीं है। और देन आता है सेक्शन नंबर 5, और सेक्शन 5 कहता है सेविंग्स। क्या कहता है, सेविंग्स, इट्स मीन मैं कहाँ अप्लाई नहीं होऊंगा, मैं कहाँ पे अप्लाई नहीं होऊंगा, मैं कौन, सीआरपीसी। तो सेविंग्स बहुत जगह है, यहाँ पर भी सेविंग्स है, आईपीसी सेक्शन 5 में भी सेविंग्स है, आईपीसी सेक्शन 5 है ना, सीपीसी सेक्शन 4 में भी सेविंग्स है। तो सेविंग्स आपको बहुत सारी जगह पे मिलती रहेगी, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, इसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बैरेक लेके बैठेगा, मैं आपको सेक्शन 1 से 5 को पूरा डिटेल एक एक लाइन बैरेक से विद केस लॉस लिखाने वाली हूँ। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जब भी बैठे तो अपने साथ बैरेक लेके बैठना, बिना बैरेक पे आधी चीज़ें याद हो जाएगी, और अगर बैरेक लेके बैठोगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, यूनिक लॉ क्लासेस
राजस्थान के जोधपुर में एस्टेब्लिश हैं, आप यहाँ के भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं है, क्लासरूम जैसा क्लासरूम है, क्योंकि हम जूम ऐप पे पढ़ाते हैं और ये टू वे कम्युनिकेशन है। आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, तो टू वे कम्युनिकेशन। लाइव क्लासेस जैसा लाइव क्लासेस है, नो रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप उसे जानकारी चाह सकते हैं, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, 9995057 9995057 4460। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसको आगे लेके आती हूँ, जिसमें हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।